हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे ही अपने फोन या पीसी से बिजली का बिल जमा कर पाएंगे, वो भी ऑनलाइन। और जो भी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, सारा सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, वो भी अमेजोन से। मैं आपको विद लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा और सारा कुछ लाइव प्रूफ होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, और साथ में आपको एक कैशबैक ऑफर भी किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको कैशबैक भी दिया जाएगा, आप बिल पे इलेक्ट्रिक बिल पे करोगे तब। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्रोम ब्राउजर में अभी ओपन कर लेता हूँ। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फोन है आपके पास एंड्रॉयड फोन, तो दोस्तों आप थ्री डॉट पर क्लिक करके इसी टाइप से और डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करके इसी टाइप से आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेजोन से कैसे किया जाता है। तो अभी मैं अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने अमेजोन को यहाँ पे टाइप कर दिया है। हमें सर्च के बटन पर क्लिक करना है आपको। इसके ऐप से भी दोस्तों आप आसानी से बिल पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिक का। दोस्तों, amazon.in पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये मेन पेज खुल के आ चुका है। अब आपको पहले इसके अंदर पे करने से पहले आपको ये साइन इन करना होगा इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे ये साइन इन बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको लॉगिन बोलेगा, अमेजोन के अंदर आपको लॉगिन करना होगा और यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर डालना होगा, फिर कंटिन्यू कर देना होगा। तो अभी मैं सारा कुछ डाल लेता हूँ मेरे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा कुछ डाल दिया है। मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे पासवर्ड है मैं अभी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारा कुछ अभी भर दिया है। अब मैं पासवर्ड भरने के बाद में लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है और ये मेरे नेम से लॉगिन हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या होगा, बिल पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे अमेजोन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अमेजोन पर पे पर क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना बैलेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि अमेजोन पे बैलेंस अभी आपका कितना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिचार्ज और बिल पेमेंट्स। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रही होगी, बिजली। तो बिजली का बिल भरने के लिए आपको इस इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करोगे, तो आपका जो पहले अगर आपने इससे किया है तो आपका रिसेंट बिल भी दिखाएगा यहाँ पे। और दोस्तों, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए आपको पहले अपना स्टेट चूज करना होगा कि आप कौन से राज्य से हो। तो आपको, मैं अभी मेरा स्टेट चूज कर लेता हूँ यहाँ से। मैं भी राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मैं AVVN सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको के नंबर पूछेगा, तो दोस्तों मैं के नंबर भी यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफर भी दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफर चल रहा है अभी, आप देख सकते हो। इस ऑफर सेंट कैश बैक अप टू ₹50 ऑन बिल पेमेंट वैलिड है दोस्तों फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ करो मंथ का। अब आपको यहाँ पे इसको प्रोसीड आगे बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को, तो आपको यहाँ पे ये फेज बिल पर क्लिक कर देना है बिल पेमेंट करने के लिए। अब आप जैसे उस पर क्लिक करोगे फेज बिल पर, तो आपका यहाँ पे नेम दिखाई देगा, के नंबर पर जो भी आपने जो बिल पर दे रखा है वो उसका नाम दिखाई देगा, और यहाँ पे ड्यू डेट दिखाई देगा कब तक है और कितना अभी आपका बिल, आपको कितने जमा करने हैं इलेक्ट्रिक बिल के पैसे। उसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू टू पे, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे दिखाई दे रहे हो, कंटिन्यू टू पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपके रुपए होंगे वहाँ यहाँ पे दिखाने ले जाएगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू टू पे पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है। आप देख सकते हो सिलेक्ट पेमेंट मेथड। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे सेव्ड कार्ड और डेबिट कार्ड, अगर आपने पहले से यहाँ पे कोई कार्ड ऐड कर रखा है पहले से, तो ठीक है, आप सीधा CVV डाल के प्रोसीड कर सकते हो यहाँ से। अगर नहीं डाल रखा तो यहाँ पे आपको एड अनदर पेमेंट मेथड दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए डेबिट कार्ड और ATM कार्ड भी यहाँ से आप जोड़ सकते हो।
मैं 20 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम ऑन कार्ड, जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसके ऊपर किसका नाम है वो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा, और कार्ड नंबर कितना है वो डाल दीजिएगा, और एक्सपायरी डेट डाल दीजिएगा। फिर एड योर कार्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कार्ड यहाँ पे एड हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, अदर UPI ऐप से भी आप आसानी से कर सकते हो। बट दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से ऐड कर रखा है, तो जो मेरा डेबिट कार्ड है मैं अभी उसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको इसको आगे करने के लिए बिल पेमेंट को, इसके लिए आपको CVV एंटर कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे CVV को एंटर कर दिया है। आप ऐड करने के बाद में जो भी आप जितने भी यहाँ पे सेव कार्ड करोगे वो इसी तरह से आपको एक बॉक्स में दिखाई देंगे कि आपने कौन कौन से कर रखे हैं इस अमेजोन पर सेव कर रखे हैं कार्ड। मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितने का बिल है, और आपका सब कुछ यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड जो आपने चूज किया है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अभी, और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब आपको करना क्या होगा लास्ट और फाइनल, दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा टोटल मिल जाएगा कि कितना आपको अभी पे करना होगा अपने डेबिट कार्ड या जो भी ATM कार्ड में से। अब आपको करना क्या होगा, इसको प्रोसीड आगे बढ़ाने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए आपको प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये हमारा जो पेज है वो दूसरे टैब में ओपन हो चुकी है। और दोस्तों अभी आपको कोई भी यहाँ से रीडायरेक्ट या रीलोड नहीं करना है, वरना आपका पेमेंट रुक भी सकता है। अब दोस्तों हमारा जो सिलेक्ट किया था, हमें आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड आपसे OTP मांगेंगे, तो अगर आप फोन पर मोबाइल नंबर पर लेना चाहते हो OTP तो आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है और कार्ड नंबर दिखाएगा आपको, 1 time पासवर्ड आ चुका है। मैं दोस्तों अभी मेरा 1 time पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 digit की OTP आई थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर दोस्तों आप वापस मंगवाना चाहते हो रिसेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा, वापस आपके फोन में रिसेंड हो जाएगी OTP। के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट होगा। आपको दोस्तों अपने पेज को रीलोड नहीं करना है या कट मत कीजिएगा, वरना ट्रांजेक्शन बीच में रुक भी सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, आपको दिखाई दे रहा होगा फाइनली हमारा जो पेमेंट है वो पूरा हो चुका है, मैसेज भी आ चुका है। जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन तो आपके फोन पर मैसेज भी आ जाएगा और थैंक यू फॉर शॉपिंग, आपका पूरा ट्रांजेक्शन ओके हो चुका है। और देख सकते हो दोस्तों आप अपना स्टेट भी चेक कर सकते हो और कितना बिल अमाउंट कट हो चुका है आपके बैंक अकाउंट में से, और ID भी देख सकते हो किस प्रोवाइडर का आपने किया है, और आप यहाँ से पूरी डिटेल को देख सकते हो आसानी से। और दोस्तों अगर आप इसे निकलवाना चाहते हो, जो ये आपका बिल आया है इसको निकालने के लिए रिव्यू और एडिट योर ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास में ये आ चुका है। अब आपको करने के लिए प्रिंटेबल ऑर्डर समरी पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने ये जो प्रिंट निकलवाने के लिए, अब दोस्तों आप इस चीज का प्रिंट निकलवा सकते हो आसानी से। आप देख सकते हो इनवॉइस निकल के आ चुका है, अमेजोन की ID और कब आपको किए बिल पेमेंट, और आपका देख सकते हो स्टेटस जो है बिल पेमेंट का वो सक्सेसफुली डन हो चुका है अमेजोन की तरफ से। और दोस्तों जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो अमेजोन पे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और आप यहाँ से प्रिंट कर निकलवा सकते हो अभी। तो दोस्तों आपने देखा कि आप कितनी आसानी से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, वो भी बिजली का बिल। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कैसे कैसे आपको भरना है बिजली का बिल। अब आप हमेशा इसी तरह से ऑनलाइन बिल इलेक्ट्रिक का बिल जमा कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में उस घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।